दोस्तों वीवो अपना लॉन्च करने जा रहा है एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है वीवो V15 Pro। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि ये कब लॉन्च होगा, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरुण चौहान और आप देख रहे हैं वास्तविक टेक चैनल। तो वीवो की तरफ से एक फोन आना है जिसका नाम है वीवो V15 Pro। बहुत ही कमाल का फोन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो आपको यहाँ पे 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है और इसमें आपको कोई भी नॉच नहीं देखने को मिलेगी। Vivo V11 Pro आया था उसमें भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिली थी, लेकिन उसमें आपको नॉच देखने को मिली थी, इसमें आपको नॉच देखने को नहीं मिलने वाली है। बात करते हैं इसमें रैम की, तो ये आपको मैं बताती हूँ, ये दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है। एक आपको आता है 6GB जो कि आएगा 64GB के साथ, सेकेंड वेरियंट 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और दोनों में ही आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो बनाई थी जो कि फरवरी में लॉन्च होने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर के एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। बात कर लेते हैं हम लोग इसकी बैटरी के बारे में। डिस्प्ले बड़ी दी गई है इसमें आपको, 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो उसी हिसाब से इसकी बैटरी भी अच्छी है। इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, मतलब 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 20 वाट का चार्जर आपको इसमें सपोर्ट करता है और जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और ये टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। अब जो जितने भी फोन आ रहे हैं सारे टाइप सी पोर्ट के साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा है क्योंकि जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। वैसे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बिकॉज अटेंडेंस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डू द लाइक। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये बताया जा रहा है कि इंडिया में पहला ऐसा फोन है जो कि क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 675 के साथ आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 7 Pro जो लॉन्च होना है उसकी वीडियो भी मैंने पहले बना दी है, आप चाहे तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने उसका, जाकर के देख लीजिए, वो भी आपको 675 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें ये कंफर्म नहीं है कि वो कब लॉन्च होना है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये 675 के साथ आने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये Android 9 Pie पर वर्क करेगा जो कि लेटेस्ट है। आपको तक की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को दबा डालो। बात कर लेते हैं हम लोग इस फोन के हाईलाइट फीचर्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इसके कैमरा के बारे में। कैमरा को लेकर के ये फोन बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि एक वीडियो आई थी जिसमें आपको इस तरीके से दिख रहा हो कैसा कैमरा है। मैं बात कर रहा हूँ इसके सबसे पहले सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको पॉपअप का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 32 मेगापिक्सल के साथ आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में पहला ऐसा फोन होगा जो 32 मेगापिक्सल के साथ आएगा और वो भी पॉपअप कैमरा के साथ आएगा। Vivo V-Nex में भी आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा देखने को मिल रहा है। और अगर हम यही बात करें इसके बैक कैमरे की, तो इसमें आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं। पहला जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का और तीसरा जो कैमरा है आपको 5 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। तीनों कैमरे अलग अलग वर्क करेंगे। ये फोन आपको दो कलर के साथ देखने को मिलने वाला है, एक तो पर्पल ब्लू आएगा और दूसरा आपका रेड आएगा। प्राइस, जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो प्राइस होने वाली है 64GB की जो प्राइस होने वाली है वो 27,000 या 28,000 रुपए के आसपास होने वाली है, और जो एक और वेरिएंट है 8GB 128GB की जो प्राइस होने वाली है वो 30,000 रुपए प्राइस होने वाली है। और ये लॉन्च जो होने वाला है ये 25 को आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी कोई फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हैं तो Vivo V15 Pro आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप इस फोन का वेट कर सकते हैं 25 तक। तो ये था कंप्लीटली Vivo V15 Pro के बारे में। आपको इस फोन की सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी चीज लगी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इस फोन को खरीदने के लिए इंटरेस्टिंग हो या नहीं ये भी मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ही मिलने वाली आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
टाइम।